वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप में सब खैरियत से होंगे। तो गाइस माशाल्लाह से मैं जो है इतिकाफ़ के अंदर बैठा हुआ था 10 डेज़ के लिए, और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट इतिकाफ़ जो है कंप्लीट कर लिया है। और आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए जल्दी आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो आइए जल्दी से, मैं आपको जो मेरे भाई वगैरह लेने के लिए आए थे तो उसकी मैं वीडियो आप लोगों को दिखा दूँ। माशाल्लाह से मेरा बहुत अच्छा इतिकाफ गुजरा, और चूँकि मैंने ब्लॉगिंग बंद कर दी थी जब तक मैं इतिकाफ में बैठने के लिए जा रहा था, तो इसलिए तो अल्लाह पाक जो मेरा इतिकाफ माशाल्लाह से कबूल फरमाया अपनी बारगाह के अंदर। मैंने सबको दुआओं में याद रखा, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए मेरे पीछे ब्लॉग्स के ऊपर। और जो है मम्मा के साथ जा रहा हूँ बेकरी कुछ सामान वगैरह लेने के लिए और नाश्ता वगैरह लेने के लिए। तो माशाल्लाह से कल जो है ईद है और आज चांद रात थी माशाल्लाह से। तो आज जो है मैंने इसलिए लेट करा कि मेरे मोबाइल की सेटिंग जो है बिल्कुल आउट हो चुकी थी, और मैं मोबाइल बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहा था, 10 डेज़ इतिकाफ में था। तो इसलिए तो आज ये जल्दी से चलते हैं, फिर आपको भी दिखाएंगे। आज फिर हमने सुबह के लिए नाश्ता वगैरह लेना था, और दाल मोट वगैरह और ये सारे चिप्स वगैरह सारी जो चीज़ें होती हैं बेकरी आइटम्स वगैरह सारा लेना था। और भाईजान जो है केक्स वगैरह भाईजान लेकर आएंगे, वो कह रहे थे कि मैं लेता हुआ आ जाऊँगा। और यहाँ पर जो है फिर हम लोग जो है ना सारा का सारा सामान लेने के लिए आए थे, और दाल मोट वगैरह सारा नाश्ता। और आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो गाइज आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा अच्छा फीडबैक देने के लिए, और माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छा मेरा इतिकाफ गुजरा है। मुझे बिल्कुल दिनों का पता नहीं चला क्योंकि इबादत में सारी रात गुजर रही थी माशाल्लाह से। तो फिर जो है मम्मा जब इतिकाफ से निकला तो कुछ नया नया ऐसा लग रहा था। तो यहाँ पर जो है फिर हम लोगों ने सारा सामान वगैरह जो है ले लिया है, और आदिल बेकरी से जो है मतलब यहाँ का नाश्ता वगैरह बहुत मज़ेदार होता है, तो मम्मा तकरीबन जो है यहीं से लेने आती है ना। तो गाइज फिर उसके बाद जो है PM, the next day, later. गाइस माशाल्लाह से फिर हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ते हुए आ रहे थे, तो फिर हम साथ में जो है नाश्ता वगैरह भी लेकर आ गए थे। भाईजान ने जो है बिरयानी वगैरह ले ली थी और पूरियां ले ली थी माशाल्लाह से मज़ेदार सी। तो जो है ना अभी हमारा चल रहा है ईद का नाश्ता, और आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और जो है ना यहाँ पर जो है फिर हम भाईजान जो है हलवा पूरी वगैरह लेकर आए थे। तो जो है मैं जो है नींदों से उठा था, और जो है ना मैं सो रहा था क्योंकि नमाज़ पढ़ कर आके मैं डायरेक्ट सो गया था। आप मेरी हालत देख सकते हैं, कपड़े चेंज करके फ़ौरन सो गया था क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी ना। तो मैं बिल्कुल मतलब पूरी रात जागा हुआ था क्योंकि सारा सामान वगैरह लेकर आ रहे थे। तो इसलिए फिर उसके बाद जो है फिर मैं नमाज़ पढ़ कर आके फ़ौरन सो गया था। और आप लोगों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो जो है ना यहाँ पर आपका भाई देख सकते हैं बिल्कुल सो के उठ के जो बिरयानी खा रहा है, और जो है ना बड़ी मज़ेदार थी जो है भाईजान अजीम की बिरयानी लेकर आए थे, और साथ में जो है पूरियाँ वगैरह लेकर आए थे बड़ी मज़ेदार सी पूरियाँ। और यहाँ बिरयानी हम इंजॉय कर रहे हैं सुबह का नाश्ता। और आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी जल्दी से भाई के चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जो है 12 o'clock midnight. Assalamualaikum guys, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो guys आज माशाल्लाह से अभी हम लोग जा रहे हैं होटल वगैरह, तो आ जाए फिर वहाँ का व्लॉग भी आपको दिखाएंगे, तो आ जाइए। यहाँ पर जो है फिर हम लोग पहुँच चुके हैं, और मम्मा जो है वहाँ पे वेट कर रही हैं हमारा। ये देख सकते हैं मम्मा जान को, यहाँ पे मम्मा जान वेट कर रही हैं, और अब हम यहाँ आ चुके हैं। चलो भाई बच्चों आ जाओ। फाइनली जो है हम सुपर शनवारी रेस्टोरेंट जो है पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर जो है मम्मा जान का खाने का दिल चाह रहा था। यहाँ की जो है फेमस जो कढ़ाइयाँ होती हैं वो बहुत मशहूर होती हैं, वो बहुत मज़ेदार होती हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग सुपर शनवारी रेस्टोरेंट पे आए हुए हैं, और बड़े मज़ेदार सा जो है इनका सब कुछ होता है, मलाई बोटी वगैरह ये सारी चीज़ें। तो जो है उसके बाद जो है फिर बच्चों की शरारतें वगैरह स्टार्ट हो गई, यहाँ पर जो है बच्चे वगैरह जो है खेलना शुरू हो गए थे हमारे भांजा भांजी। और जो है ना बस उनकी बस शरारतें होती हैं, बच्चे जो है कहीं भी जाते हैं जो उनको शरारतें करना
लाजमी होता है, जहर सी बात है बच्चे ही करेंगे, शरारत करेगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से उनके गाइस माशाल्लाह से। यहाँ पर जो हमारा छोटा वाला पांचा अब्दुल वहाब को पॉटी आ रही है, बहुत तंग कर रहे हैं हमें, और जो है ना इसकी बहुत ज़्यादा शरारतें बढ़ रही हैं। अभी हम कहाँ पर आए जरा दोबारा बताना, सरबानी रेस्टोरेंट आ रहे हैं, और अब हम आपको मिलवाते हैं सरैया से। तो आ जाइए सरैया, बताओ कैसी हो आप। सरैया को शर्म आ चुकी है, सरैया को शर्म आ चुकी है, और आपको क्या आ रही है, आपको भी शर्म आ रही है। नहीं नहीं, शाजी मामू के हाथ का आपको एक थप्पड़ बनना चाहिए ताकि आप बिल्कुल सीधे हो जाए ना। कैसे हैं आप लोग, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो रहा है। अब्दुल वहाब दोबारा दांत दिखाना, अब्दुल वहाब कैसे हैं आपके। हई हई बरा बरीरा को देख सकते हैं, बरीरा की नाक जो है निकल के बाहर आ रही है और इसके अंदर से निकल रही है, क्या निकल रहा है, कैबरोलोडिस। ये देखिए इसका मुँह, देखिए लेट्स सी अबाउट यू नो, इसका मुँह देख सकते हैं आप, इसके मुँह की नाक के अंदर से नाक निकल। तो गाइस यहाँ पे मम्मा बैठी हुई, माँ सुरैया खेल रही है। सुरैया हाय करो सबको। मोहम्मद वो बैठा हुआ है, मोहम्मद गाइस ईद के दिन चल रहे थे, तो माशाल्लाह से जो है बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पे, और इतनी देर में जो है हम लोगों को जगह मिली यहाँ पर, और जो है ना यहाँ पर जो फाइनली फिर हमारा खाना वगैरह भी आ चुका था माशाल्लाह से। यहाँ पर जो भाईजान ने कढ़ाई वगैरह बनवाई थी, और उन्होंने कहा था कि भाई आप लोग जब तक ये खाएँ तो दूसरी चीज़ भी आपकी बनकर रेडी होकर आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, और वो कह रहे थे कि ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जो हम आपको भिजवा देंगे। यहाँ पर जो फाइनली हमारी कढ़ाई वगैरह आ चुकी थी, और अब हमारी रहती है मलाई रोटी वगैरह, सीख कबाब वगैरह और वाइट कढ़ाई वगैरह, ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो वो बन रही थी तो वो भी आती जाएंगी। तो बोल रहे पहले आप गरम गरम ये खा लें फिर वो आ जाएंगी, तो हमने कहा ये तो कोई बात ही नहीं, तो बोले जो है ना ईद का दिन है ना, तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर। गाइस यहाँ पर जो है माशाल्लाह से भाईजान ने जो है फिर वाइट कढ़ाई भी मंगवाई थी, वो भी बहुत मज़ेदार थी और टेस्टी थी, और यहाँ पर जो फिर हमने आराम आराम से जो है वो आइटम्स थे वो देर देर से ले लेकर आ रहे थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, तो इसलिए। अभी जो है माशाल्लाह से मेरी भांजी जो है छोटी सी बेटी को खा रही थी, वो कह रही थी मामू थोड़ा सा कढ़ाई गिर गया, मैंने कहा खैर हो गई कोई मसला नहीं है, और इतना छोटी छोटी सी थी बिल्कुल आराम से खुद खा रही थी। माशाल्लाह से जो है सबने जो है खाना वगैरह खा लिया था, और यहाँ पर जो है हमारी चिदी मिल्ली जो है बैठी भी खाना खा रही थी, उन्होंने भी खा लिया था सब बच्चों ने, और खूब इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। उम्मीद करता हूँ कि आज का छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है आपका भाई भी जो है खूब जो है धम मचा कर जो है खाया जा रहा है, और मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा पसंद है कढ़ाई। अच्छा यहाँ पर आके ना रेस्टोरेंट के ऊपर आके जो है ना गरम गरम जो नान मिलते हैं ना इसके साथ, तो फिर तो एंड ही हो जाता है, फिर तो ज़्यादा मज़ा आ जाता है। माशाल्लाह से जो है हम लोग आ चुके हैं, और चलो अब्दुल वहाब सरैया, और काफ़ी जो है बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उम्मीद करता हूँ कि आज का छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी मदर को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके गाइज, अस्सलामुअलैकुम।